me to Matthew chapter 10. मति रचित सुसमाचार दसवां अध्याय. Yes. Matthew chapter 10. मति दस. When we turn to verse 16 and 17, और जब हम मती दसवें अध्याय के 16 और 17 वचन में देखेंगे, yes. You know, there are many things written here, but just want to bring one thought here. Okay, let me just read. We won't read in Hindi. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they deliver you up into to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, but it shall be given to you in that same hour that ye shall speak. Now, here was something the Lord spoke to them as a word of caution and a prophetic word. और यहाँ पर जो शब्द बोले गए, प्रभु ने उन्हें एक सावधानी बरतने के लिए, एक इतियाद बरतने के लिए, सतर्क सावधान होने के लिए बोला. You know, the Lord used this scripture later on. प्रभु ने इन वचनों को बाद में भी प्रयोग करा. And he used it as words that should be fulfilled in towards the hatred of his gospel. और प्रभु ने इन वचनों को दोबारा उपयोग करा जहां पर उसके सुसमाचार के प्रति जो नफरत ईर्ष्या होगी उसके पूरा होने में. These words will be fulfilled in the hatred of his gospel. और किस प्रकार से ये वचन पूरे होंगे उसके सुसमाचार के प्रति एक ईर्ष्या और नफरत के लिए. And he begins his warning और अपनी चेतावनियों की शुरुआत करता with a caution and a prophetic expression और एक सावधानी को बताने के द्वारा भविष्यवाणी के अभिव्यक्तियों को बोलने के लिए. That of a prophet कि एक भविष्यवक्ता के रूप में. He says, "Be wise as serpents." और एक सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतरों के मानिंद मासूम और भोले रहो. Then he said, "Beware of men." तब 17वें वचन का शुरुआत होती है, परंतु लोगों से सावधान रहो. Yes. These are the words he said. ये वचन प्रभु ने बोले. And he continued on. और इन वचनों को लगातार बोल रहा है. Let me take you to verse 22. 22वां वचन इसी अध्याय का. Verse 21. और 21वां वचन इसी अध्याय का. Yes, verse 21. And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Amen. भाई 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 को पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेगा, बच्चे माता पिता के विरुद्ध उठकर उन्हें मरवा डालेंगे. Yes. Now, you know, the prophet spoke about what self can produce in the world. और भविष्यवक्ता ने बोला कि स्वार्थ इस संसार में क्या उत्पन्न कर सकता है. And the Lord related that self coming into the things of God where men shall use that against God's own people. और तब प्रभु ने उसी स्वार्थ को लेकर यहां पर स्पष्ट करा कि एक स्वार्थ और खुदी किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए भी स्वार्थ किस सीमा तक जाएगा. आर यू विद मी? क्या आप हमारे साथ हैं? फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, राइट? लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुने. दैट सेल्फ,
वो स्वार्थ इट इज ब्रेकिंग डाउन एंड डिसजॉइनिंग एवरी रिलेशनशिप जो कि हर एक रिश्ते को उसके स्थान से हटा रहा है. द लॉर्ड सेज इट विल दैट सेम सेल्फ विल कम इन रिलेशन टू द हेटेड टू हिज गॉस्पेल विल बी यूज्ड. यहां पर प्रभु दैट वेरी सेल्फ उस खुदी को उस स्वार्थ को जोड़ रहा है कि ये स्वार्थ यहां तक कि उसके सुसमाचार को भी हटाने के लिए कार्य करेगा. यस एंड वर्स 22 22 वचन एंड ही शैल बी हेटेड ऑफ ऑल मेन फॉर माय नेम्स सेक बट ही दैट एंड्यूरेथ टू द एंड शैल बी सेव्ड. मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. आमेन. या नाउ लेट अस मूव ऑन Verse 34. Chauthisva vachan. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ. मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ. For I am come to set a man at variance against his father. And the daughter against her mother, and the daughter against her mother-in-law. Now, same words from the book of Micah. और यहाँ पर प्रभु उन्हीं वचनों को बोल रहा है जो भविष्यवक्ता मीका ने सातवें अध्याय में बोले. And it says verse 36, and a man's foes shall be they of his own household. और 36वां वचन वो भी दोहराया जा रहा है. मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे. Amen. Now this is something the Lord spoke. और ये वो सच्चाइयां और वचन है जो प्रभु ने बोले. How this scripture will be fulfilled in relation to the hatred. किस प्रकार से वचन पूरे होंगे. Hatred of the gospel of Christ. किस प्रकार से वचन पूरे होंगे उसके सुसमाचार के प्रति बैरी होने के संपूर्णता में. He says in the same house. और वो कहता है एक ही घर में. There will be divisions. और बंटवारा होगा. 36वां वचन. Variance. और विभिन्न तकरारे या conflicts, या खंडन विपरीतता conflicts because of the truth. सच्चाई के कारण मतभेद हो जाएगा. A man's foe shall be they of his own household. और मनुष्य के बैरी दुश्मन उसके अपने घर के लोग ही होंगे. Be as wise as serpents. और सांपों के समान बुद्धिमान बनो. Harmless as doves. और कबूतरों के मानिन नुकसान beware of men. और मनुष्यों से सावधान रहो. Yes. 17वां वचन. The Lord made one thing very, very clear here. और प्रभु यहाँ पर एक चीज बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं. You know, I just want to turn us to one more scripture. और एक और वचन की तरफ मुड़ेंगे. The book of Luke, chapter 21. और लूका की पुस्तक 21वां अध्याय. The book of Luke. लूका 21 चैप्टर 21 और 21वां अध्याय वर्स 16 और 16वां वचन. एंड ही शैल बी बिट्रेड बोथ बाय पेरेंट्स एंड ब्रदरन एंड किंग्स फोक्स एंड फ्रेंड्स. And some of you shall they cause to put to death. And he shall be hated of all men for my name's sake. But there shall not an hair of your head perish. In your patience possess ye your souls. Now the Lord made it clear. यहाँ पर प्रभु स्पष्ट कर देता है. Now this is what will happen. There is going to be a conflict in one family
Because somebody wants to do his or her own thing to please herself, while there are those who want to do God's will or walk in God's ways. और एक ही परिवार के अंदर विभिन्न संघर्ष हो जाएंगे, विपरीतात्मक चीजें हो जाएंगी, जहां पर एक परमेश्वर के विरुद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता है और दूसरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। Amen. Now we need to know this. हमें ये जानने की जरूरत है। And the Lord made it very clear. परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट कर देता है। He that loveth, verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. और And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Full stop. मती 10वां अध्याय 37वां और 38वां वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। yes. और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रेम जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। Now listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने। This is what the Lord said. और यही प्रभु ने बोला। He took the word of Micah and this is the way he presented to the disciples of Jesus Christ. और प्रभु ने मीका भविष्यवक्ता के वचनों को लिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये वचन प्रस्तुत किया। We find even the natural affections eroded in the secular, in the world out there because of self. और हम देखते हैं कि खुदी और स्वार्थ की वजह से ना केवल प्राकृतिक रिश्ते बल्कि समाज के और कार्यालयों में भी जो रिश्ते हैं वो टूट गए हैं। Everything is being broken. हर एक चीज टूट गई है। The self coming to this place of wanting its way. क्योंकि स्वार्थ खुदी अपना मुख्य स्थान चाहता है और हर एक चीज में घुसपैठ करता है। Every relationship is out of joint. हर एक रिश्ता और संबंध अपने स्थान से हट गया है। You know, and we see it all over. और इन बातों को अपने चारों husband wife relationship is all on self now. और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुदी के ऊपर आधारित। And so I don't like, you don't like, let's go. और मैं अगर पसंद नहीं करता, तुम मुझे नहीं पसंद करते, अलग हो जाओ। Both have different bank accounts. और हर एक के अलग अलग बैंक अकाउंट है। And nobody is into intrude one another's accounts. और कोई भी एक दूसरे के अकाउंट को देख नहीं सकता। They all have different passwords. और उनके अपने अपने पासवर्ड है। The husband does not know her password and the wife does not know her password. और पति पत्नी का पासवर्ड नहीं जानता और पत्नी पति का पासवर्ड नहीं जानती। And the children says, I have our password. और बच्चे कहते हैं हमारा तो अपना पासवर्ड है। So everybody is living by their own passwords. और हर एक जना अपने अपने पासवर्ड के द्वारा जी रहे हैं। Where are we heading? और कहां हम जा रहे हैं? Where are we moving? कहां हम चल रहे हैं? We are living in the realm of self life. और हम अपने खुदी और स्वार्थ के जीवन में जी रहे हैं। Listen carefully, brothers and sisters. ध्यान पूर्वक मेरे प्रिय भाई और बहनों सुनो। And the Lord used these words to tell how it will come in relation to God's purpose. How it is going to come against God's people who want to really follow the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को लेकर नसीहत दी और बोला किस प्रकार से ये स्वार्थ और ये खुदी ना केवल प्राकृतिक संबंधों के विरुद्ध में बल्कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की चीजों के विरुद्ध में, उसके सुसमाचार के विरुद्ध में आएगी। Now coming to the families. और अब परिवारों पर आने के लिए The Lord made it very clear. परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कर दिया। Not peace but a sword. और शांति नहीं बल्कि तलवार। God's word is a sword. परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है। God brings in the cross. और प्रभु एक क्रूस को लेके आता है। The Lord made it very clear. प्रभु बहुत स्पष्ट कर देता है। If you do not take up your cross daily. अगर तुम प्रतिदिन अपने क्रूस को ना उठाओ। And do not follow me even in your family relationship. और अगर
प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर अपने पारिवारिक संबंधों में ना चलो. He says, you are not worthy of it. तब तुम मेरे योग्य नहीं हो. Now this is very very important. ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है. You know it's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. Now I know in this very house. और मैं जानता हूँ इस परमेश्वर के भवन में. You know there are brothers and sisters. और ऐसे भाई और बहन हैं. When one person came to know the Lord, जब एक व्यक्ति प्रभु को पाया, प्रभु को स्वीकार किया, you know how it brought a strained relationship with their parents in their hometown. और जब वो एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और इस प्रभु के रिश्ते में जुड़ने के द्वारा उसके परिवार के अंदर कितना तनाव आ गया. You know, there were a lot of difficulties in relationships. और संबंधों में मुश्किल आ गई. But the conviction of God was so strong. लेकिन परमेश्वर के दिया हुआ एहसास इतना मजबूत था. And I know some of you. और मैं जानता हूँ आप में से how you stood for the Lord. किस प्रकार से आप प्रभु के लिए खड़े रहे. I know of a father who challenged the son, don't go for worship with these people. I won't tell the name of that person. He's right here. और मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से पिता ने धमकी दी अपने पुत्र को कि इन लोगों के पास जाकर आराधना मत कर. Don't come back to my house. दोबारा मेरे घर में मत लौटना. But the young man chose to come and join us. और युवा व्यक्ति ने चुनाव किया कि वो आएगा हमें हमारे से जुड़ेगा. There are some people like that in this gathering. और इस सभा के अंदर इस प्रकार के कुछ लोग. When you came to the Lord, जब आप प्रभु के पास आए, there was such a strained relationship with your parents and your siblings because they didn't want to walk this way of God. और जब आप प्रभु के पास इस संबंध में आए उस समय आपके प्राकृतिक माता पिता भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में इतना तनाव आ गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप इस प्रकार से प्रभु के पास आए. You know, you go on with this kind of people. और आप अगर चाहते हो तो इस प्रकार के लोगों के साथ अपना जीवन बिताओ. नहीं बिताना. Don't go with it. इन लोगों के साथ मत जाओ. They were not for it. वो उस बात की स्वीकृति के लिए नहीं थे. There was a strained natural relationship. और प्राकृतिक रिश्तों में तनाव आ गया. The sword came in. और तलवार बीच में आ गई. You picked up the cross. और आपने क्रूस को उठा लिया. You know what was the result? उसका परिणाम क्या हुआ? They were brought into Christ. और वो लोग भी प्रभु में आए. We thank God for that. उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. Now it doesn't mean that after we all have come into Christ, the cross doesn't work. और इसका ये अर्थ नहीं कि हम सारे जब प्रभु के अंदर आ गए, क्रूस कार्य नहीं करेगा. Now that's another thing we need to understand. और ये दूसरी चीज है जो हमें समझने की जरूरत है. Even though we all are together. और यद्यपि हम सारे जने एक साथ हैं, we're all together in the Lord. और हम सारे प्रभु में एक साथ हैं. Not only that, we are all together in the same fellowship. और हम सारे एक ही सहभागिता में हैं. So we hang the cross. और ये नहीं कि क्रूस को लटका दो कहीं. Instead of we hanging on the cross. और अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने की बजाय. That's what we have done. और वो हमने करा हुआ है. What happened because of that? उसके कारण क्या हुआ? We allowed this old flesh and self to come in actively into our spiritual life, depriving us of the spiritual progression. और हमने बाद में इस शरीर को, खुदी को, स्वार्थ को अपने जीवन में आने दिया. उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी के अंदर बाधा पड़ी. Are you all here? I'm not able to see. Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुने. Now this is the danger. The enemy has a strategy. If you cannot stop them, join them. That is strategy. If you cannot stop them, join them. और अगर शत्रु की यह रणनीति होती है कि अगर आप उनको रोक नहीं सके तो उनके साथ मिल जाओ. हाँ. The enemy could not, and now what he says is that I will join. जब शत्रु
उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सका तो शत्रु कहते हैं मैं तुम देखो वी ऑल आर वन मैं तुम्हारे साथ मिल जाता हूं एक ही चर्च में जा रहे भाई वी ऑल द सेम फेलोशिप एंड वी ऑल आर टुगेदर हम सारे एक सहभागिता में एक साथ हैं सो व्हाट तो क्या हुआ डोंट वी हैव अ सेल्फ क्या हमारे अंदर खुद ही नहीं होगी यस और नो हां या नहीं नहीं है Now this is very important.